कार्य फॉर द 19 आस तल लिखित शब्द गुड़ को लगे वाक्य गठन करवा भारत आम देशर नाम भारत आम को यह कर देखे से ही भले आमको जो शब्द गुड़िक वाक्य गठन करवा बंदी बंदी लगे गोटे वाक्य लिखा बंदीर स्वदेश चिंता कविता गोपबंधु रचना करथिले संग्रामी तापर अच्छी संग्रामी संग्रामी माने बहुत दुख कष्ट सही संग्राम जारी रखती। तापर नारी नेत्री रमा देवी जड़े नारी नेत्री थिले कवि गंगाधर मेहर जड़े प्रकृति कवि थिले हेगला तमे मध्य निज मनर जदि वाक्य कौन जाच लेखिपार तो एबे चलो शिक्षण कार्य दुई करिबा शिक्षण कार्य दुई सरल रु जेपरी सरलता हुए से हीपरी तल शब्द गुड़िकर नुआ रूप कौन हेब पाख कोठरी रे लेख निपुण निपुणता स्वाधीन स्वाधीनता कुटिल कुटिलता सक्रिय सक्रियता पारदर्शी पारदर्शिता जटिल जटिलता हेगला शिक्षण कार्य तीन तले दि जाइथिबा अनुच्छेदर सर्वनाम पद चिन्हाई खाली घरे लेख दिने हरि पड़िया रे खेलुथिला बहुत समय खेलिबारु से हालिया होइगला तार गोड़ हात बथा हेला से आउ चली पारिला नाही ताको सांग माने नै ता घरे छाड़ी देले। अच्छा कौन कही आम अनुच्छेद पढ़ी नेले ए भितर सर्वनाम कोटा चिन्हिकरी एठी लेखिबा। अच्छा देख एठी हरि पाई का पुणी थरे आउ एठी हरि न लेखाई कौन लेखाई से लेखाई तो ए से होची गोटे सर्वनाम तो एठी लेखि नबा से पुणी एठी हरिर गोड़ हाथ बथा हेला न लेखिकी आमको कौन कही ना तार कहार हरिर तो ये लिखि नबा तार से आउ चली पारिला नाही से के हरि तो आम तो लिखि सारे से तापर कौन अच्छी ताको सांग माने ने ता घरे छाड़ी देले ताको माने हरि को तो लिखा ये ताको पुणी ता ता घरे माने हरिर घरे तेणु ताले कौन कौन सर्वनाम रहिला ना से तार ताको ता हेगला। तापर जीवा शिक्षण कार्य चारि को शिक्षण कार्य चारि प्रथम पात्र रे थिबा शब्द सहित द्वितीय पात्र रो संपर्कित शब्द को नहीं तृतीय पात्र रे लेख। अच्छा प्रथम पात्र रे कौन लेखा है जी ना लोक पर्वत गोरु घर आ द्वितीय पात्र रे अछि पल गुड़िक माने राजी दल। अच्छा तो आंक भितर आम शब्द नहीं जोड़ी ये तृतीय पात्र लेखिबा। अच्छा तो लोक माने तो ये लिखिनबा लोक माने पर्वत राजी तो ये लिखिनबा पर्वत राजी गोरु पल लिखा ये गोरु पल तापर कौन अच्छे ना घर गुड़िक तो घर गुड़िक होगा लिखिने आम सब जाक तो ये सहित तो कार्य फॉर द 19 सरीगला चलो कार्य फॉर द 20 करिबा। कार्य फॉर द 20 कहा को प्राच्य जगत कोकिल बोली कहा जाए कहा को प्राच्य जगत कोकिल कहा जाए आम एबे पढ़ी थिले सरोजिनी नायडू को तो ये लिखिनबा सरोजिनी नायडू को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कहा जाए। गांधीजी के गुण सरोजिनी नायडू को बेस प्रभावित करथिला गांधीजींर नीति आदर्श और सरलता गुण सरोजिनी नायडू को बेस प्रभावित करथिला। प्रश्न तीन सरोजिनी केउ भाषा रे कविता लेखुथिले सरोजिनी इंग्राजी भाषा रे कविता लेखुथिले। प्रश्न चारि केउ माने सरोजिनी नायडू को कविता द्वारा अनुप्राणित होइथिले केउ माने जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वाधीनता संग्रामी मान को
संग्रामी माने सरोजिनी नायडू कविता द्वारा अनुप्राणित होते क्यों कारण सरोजिनी नायडू को भारत बुलबुल बोली कहा जाए ना तांको कंठ कोकिल कंठ भली मधुर थिबारु सरोजिनी नायडू को भारत बुलबुल बोली कहा जाए। सरोजिनी नायडू ठारु तुम्हें क्यों क्यों गुण शिक्षा करुछ देश प्रीति आउ कर्तव्य निष्ठा। प्रश्न सात तुलसी दुई पत्र रु बासे कहिले कौन बुझ ना भविष्यतर सुगुण पिलादिनरु जना पड़े। प्रश्न आठ पाठ पढ़ा सहित सरोजिनी आउ क्यों क्यों क्षेत्र में निज दक्षतार परिचय देथिले पाठ पढ़ा सहित सरोजिनी कविता लेखिबा ओ वक्तृता देबारे निज दक्षतार परिचय देथिले। प्रश्न नौ सरोजिनी स्वामी नाम गोविंद राजुलु नायडू उत्तर पाइबा प्रश्न तैयारी कर। अच्छा सरोजिनी स्वामी नाम कौन तार उत्तर हम सरोजिनी स्वामी नाम गोविंद राजुलु नायडू है। प्रश्न दस कारावरण यही शब्द को लगाई वाक्य गठन कर सरोजिनी देश स्वाधीनता पाई संग्राम करी कारावरण करथिले हेगला तो ये चलो नेक्स्ट पेज को जीवा। प्रश्न एगार स्टार्ट करिया पूर्व मुझे मन पक दिए तुम्हें माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी तो जदि करना हो तो एबे करनियो ठीक अच्छे आउ पाखर थिबा बेल आइकन को भी प्रेस करनियो कहीं मुझे जिते बड़े भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तुम पाखे आगे नोटिफिकेशन पहुँची जब तुम्हें माने देखिनाव। मोर आउ गोटे चैनल अच्छे तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दी तुम्हें से चैनल टी को पाइपर आती तुम मन बढ़िया बढ़िया वीडियो अच्छे तो चैनल टी को सब्सक्राइब कर आ वीडियो गुड़ी को एंजॉय कर। प्रश्न एगार जेपरी जटिल रु जटिलता हुए से हीपरी सरल रु कौन हेबो जटिल रु जटिलता सरल रु सरलता। धा धपड़ परी गोटे जोड़ी शब्द लेख जेंती धा धपड़ सेंती उठ पड़ जेपरी खाइले को भोजन कले बोली लेखा जाइछि सही परी रांधिले शब्दटी कौन हेबो रांधिले रंधन कले खाइले भोजन कले रांधिले रंधन कले। उदाहरण देखिए शून्य स्थान पूरण कर जेपरी मु पढ़िली तुम्हें पढ़िल से पढ़िला सेहीपरी मु कहिली तुम्हें कहिल से कहिला। ठीक शब्दटी बंधनी मध्यरु बाछी तल कोठरी रे लेख हृष्ट पृष्ट हृष्ट पृष्ट हृष्ट पृष्ट तो ए भीतर कोडा ठीक अछि जोडा ठीक अछि मु एठी लेखि दो छी तमे माने देखि करी लेखिनियो। तो पिला माने भिडियोटी निश्चित भाव में तुमको भल लगी ना तो लाइक टे करनी आते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनाओ तुमको भिडटे केमती लगला आउ जदि एपर्तंत चैनल को सब्सक्राइब करना हाँ तो एबे सब्सक्राइब करनी तो आज आम ये रहा पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग।